हेलो फ्री फॉलोअर्स, क्या हाल है? फोबी के होपफुली और फोबी बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग चाइना सर्वर की आईडी कैसे बना सकते हो। और गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो हमारा चाइना सर्वर है वहाँ पे हमको बहुत सारे फ्री के रिवार्ड मिल जाते हैं। तो आप लोग चाइना सर्वर की आईडी कैसे बनाओगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो ये वीडियो अब सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कितना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ में, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री में होता है। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। तो देखो भाई, यहाँ पर चाइना सर्वर की आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपके गेम में कोई आईडी लॉगिन है तो आपको उसको लॉग आउट कर देना है, तभी तो आप लोग न्यू आईडी को लॉगिन कर पाओगे। और आईडी को लॉग आउट करने के बाद अब आपको यहाँ से अपने गेम को क्लोज कर देना है। और जब आप लोग गेम को क्लोज कर दोगे तब आपको करना क्या है कि आपको एक वीपीएन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है अर्बन वीपीएन। अभी आप लोग गाइस इसको देख सकते हो, आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको 5 से 6 MB का देखने के लिए मिल जाएगा। और वीपीएन को डाउनलोड करने के बाद अब आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। और वीपीएन को ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक स्किप का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, तब आपको सिंपली यहाँ पर स्किप के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर ताइवान लिख देना है। और ताइवान आपको क्यों लिखना है अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ताइवान के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो हमारा वीपीएन है वो ताइवान सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। तो और वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि अब आपको अगेन से अपने गेम को ओपन कर लेना है। एंड फाइनली अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो गेम है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। और गेम को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपके पास कोई फ्रेश अकाउंट होना चाहिए, तभी तो आप लोग चाइना सर्वर की आईडी बना पाओगे। वेल गाइस, अगर आपके पास कोई फ्रेश फेसबुक का अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की आईडी को नहीं बनाया, तब आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसी के साथ में अगर आपके पास कोई गूगल, वीके, ट्विटर का कोई फ्रेश अकाउंट है जिसमें कि आपने अभी तक अपनी गेम की आईडी को नहीं बनाया, तब आपको सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। साथ में मेरे भाई, अगर आपका अभी तक गिफ्ट का अकाउंट नहीं बना हुआ तब आप लोग अपने गिफ्ट के अकाउंट से भी चाइना सर्वर की आईडी बना सकते हो। तो देखो भाई, मेरे केस में मेरा जो गिफ्ट का अकाउंट है उसको मैंने डिलीट कर रखा है, तो इसलिए मैं अपने गिफ्ट के अकाउंट से चाइना सर्वर की आईडी बनाने वाला हूँ। लेकिन मेरे भाई, अगर आपका जो गिफ्ट के अकाउंट है वो डिलीट नहीं है और आप लोग अपने गिफ्ट के अकाउंट को डिलीट करके अपने गिफ्ट के अकाउंट से ही चाइना सर्वर की आईडी बनाना चाहते हो, तब आप लोग इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो से आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि आप लोग अपने गिफ्ट के अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी के साथ में। वेले यहाँ पर जो मेरा गिफ्ट के अकाउंट है वो डिलीटेड है, तब मैं सिंपली यहाँ पर गिफ्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे टैप टू बिगिन करने के लिए क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना, जिस तरह से एक न्यू आईडी बनाते हैं आपको सिंपली उसी तरह से सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बिगिनर के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ से इसको कन्फर्म कर देना है। और कन्फर्म करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है, जो भी आपको अपना नेम लिखना हो। तो भाई मैं यहाँ पर अपना नेम नहीं लिखने वाला, बाकी आप लोग यहाँ पर अपना नेम अच्छे से लिख सकते हो। एंड इसके बाद अब आपको यहाँ पर लेट्स गो के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद अब आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा। एंड इसके बाद भाई आपको यहाँ पे टैप टू कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। एंड जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तब आपके सामने एक छोटा सा गेम ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी उस गेम को फिनिश करके आ रहा हूँ। वेल गाइस, यहाँ पर जो हमारे सामने गेम ओपन हो गया था गाइस, मैं उसको फिनिश करके आ चुका हूँ। और गाइस अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये चाइना सर्वर की आईडी है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस अभी आप लोग यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ताइवान लिखा हुआ आ चुका है। और यहाँ पे ताइवान लिखा हुआ क्यों आ रहा है अभी चलो मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो हमारा चाइना सर्वर है वो हमारे ताइवान सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पे हमारा नेपाल और इंडिया सर्वर है, मतलब अभी तक मिक्स था लेकिन अभी अलग हो गया, तो इसी तरह से हमारा जो चाइना सर्वर और ताइवान सर्वर है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ताइवान लिखा हुआ आ रहा है। और हाँ, अभी आप लोग यहाँ के कुछ इवेंट वगैरह भी देख सकते हो जिससे कि
आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये चाइना सर्वर ही है। तो बस भाई आप लोग इसी तरह से चाइना सर्वर की आईडी बना सकते हो, वो भी गाइस बहुत ही आसानी के साथ में। तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करने एकदम से फ्री में होता है। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता है। मैं मिलता हूँ आपको अभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।